वंदे मातरम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 13, टाइप्स ऑफ हाउसेस। टाइप्स ऑफ हाउसेस मीन्स घरों के प्रकार। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउस, हाउस मीन्स घर। वी ऑल नीड ए हाउस टू लीव ए सेफ लाइफ। हम लोग सभी को सुरक्षित जीवन जीने के लिए घर की जरूरत होती है। सेफ यानी सुरक्षित, लाइफ यानी जिंदगी। सुरक्षित जिंदगी जीने के लिए हमें एक घर की जरूरत होती है। द हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन। हार्श वेदर कंडीशन यानी खराब मौसम की अवस्था। खराब मौसम की अवस्था कब होती है? जब आंधी तूफान बारिश होती है ना, तो उसे हार्श वेदर कंडीशन बोलते हैं। द हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन, वाइल्ड एनिमल्स एंड फ्रॉम थीव्स। वाइल्ड एनिमल्स एंड फ्रॉम थीव्स मीन्स हाउस यानी घर हमें किससे बचाता है? खराब मौसम से है। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवरों से है। एंड फ्रॉम थीव्स मीन्स और चोरों से। थीव्स यानी चोर होता है, चोरों से हमें बचाता है। पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। लोग अलग अलग प्रकार के घर में रहते हैं। दे आर नेम्ड बेस्ड ऑन द मटेरियल्स यूज टू बिल्ड देम। ऐसे घरों को बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, उसी के आधार पर उनका नाम रखा गया है। ओके, अर्ली मैन यूज टू लिव इन केव्स। अर्ली मैन मीन्स प्राचीन काल के लोग। प्राचीन काल के लोग रहने के लिए गुफा का उपयोग करने लगे। केव्स मीन्स गुफा, गुफा का उपयोग करने लगे। स्लोली ह्यूमंस स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेज मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बाम्बू। मड मीन्स होता है मिट्टी, स्ट्रो यानी तिनका, एंड बाम्बू मीन्स बांस। ओके, तो धीरे धीरे मानव ने मिट्टी के, तिनके के तथा बांस के घर बनाने शुरू किए। और कुछ लोग, स्टिल सम पीपल लिव इन सच हाउसेस, और कुछ लोग उसमें रहने भी लगे। दीज हाउसेज आर नॉट सो स्ट्रांग। ऐसे इस प्रकार के घर जो होते थे वो स्ट्रांग नहीं, मतलब मजबूत नहीं होते थे। दे आर कॉल्ड एज टेम्पररी हाउसेज। ऐसे घरों को अस्थाई घर कहा जाता है। टाइप्स ऑफ टेम्पररी हाउसेज, अस्थाई घरों के प्रकार। फर्स्ट में है हट। हट मीन्स झोपड़ी। यहाँ पे पिक्चर दिख रही है आपको, ये हट की पिक्चर है। ओके, वी कैन सी दिस टाइप्स ऑफ हाउसेज इन विलेजेस एंड स्लम एरियाज। विलेजेस मीन्स गांव, एंड स्लम एरियाज जहाँ बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, निचले स्तर के लोग रहते हैं, उसे हम स्लम एरियाज बोलते हैं। ओके, तो ऐसे जो हट होते हैं, झोपड़ी होते हैं, वो हम लोग कहाँ देखते हैं? गांव में और स्लम एरियाज में। ओके, दीज हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, बम्बू, स्ट्रॉ एंड मड। ये हाउस किससे बने होते हैं? वुड, वुड मीन्स लकड़ी, बांस, स्ट्रॉ, तिनका एंड मड, मिट्टी। मिट्टी से, तिनके से, बांस से और लकड़ी से बने होते हैं। ओके, दीज हाउसेज आर कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउसेज एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग। ऐसे घरों को हम लोग कच्चा हाउस भी कहा जाता है, और वो बहुत ही स्ट्रांग नहीं होते हैं, मीन्स कमजोर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कारवां। ये देखिए यहाँ पिक्चर है। ओके, सम पीपल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव इन ए हाउस ऑन व्हील्स विच नोन एज कारवां। कुछ लोग यहाँ वहां घूमते रहते हैं, यानी एक जगह से दूसरे, प्लेस टू प्लेस मीन्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, और पहिए पर ही अपना घर बना के रहते हैं। ये दिख रही ना जो गाड़ी, उसी में अपना घर बना के रहते हैं। विच नोन एज कारवा, जिसे कारवा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज टेंट्स। दीज टेम्पररी हाउसेज आर मेड अप ऑफ क्लॉथ नोन एज कैनवस। ऐसे अस्थाई घर
कपड़े के बने होते हैं जिसे कैनवस कहा जाता है। यहाँ देखिए ये पिक्चर दिख रही है, ये जो कपड़ा है उसे कंपेनर्स और फॉर पिकनिक्स एज दिस कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड इजिली। ऐसे घर जो होते हैं वो सैनिक सोल्जर मीन्स सैनिक, माउंटेनियर्स मीन्स पर्वतारोही जो पर्वत पे चढ़ते हैं, और कैंपेनर्स मीन्स होता है जो प्रचार करते हैं उसे कैंपेनर्स बोलते हैं, मतलब प्रचारकों। तो ऐसे घर सैनिकों द्वारा, पर्वतारोही तथा प्रचारकों द्वारा ऐसे घर उपयोग किए जाते हैं, और फॉर पिकनिक्स, और पिकनिक के लिए भी ऐसे घर यूज किए जाते हैं। एज दिस कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड इजिली, और ये ऐसे घर जिसे टेंट कहा जाता है वो बहुत ही आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है बहुत ही आसानी तरीके से। ओके, नेक्स्ट इज स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट मीन्स होता है ऐसे घर जो लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठों पे बना होता है, उसे हम स्टिल्ट बोलते हैं। तो सच हाउसेस आर मेड इन द फ्लड प्रोन एरियाज। ऐसे जो घर होते हैं जहां अधिकतर बाढ़ आने की संभावना होती है, जहां बाढ़ हमेशा आते रहते हैं, तो ऐसे घर वहां पे बनाए जाते हैं। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ वुड एंड दे स्टैंड ऑन वुडन पोल्स। ऐसे जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने, वुड के बने होते हैं, और किस पे खड़े हैं, तो यहाँ पिक्चर पे देखिए लकड़ी के मोटे मोटे जो हैं यहाँ पे उस पे खड़े होते हैं, एंड वुडन पोल्स उसको बोलते हैं, लकड़ी के पोल्स पे वो खड़े होते हैं ऐसे घर। ओके, क्योंकि बाढ़ आते हैं यहाँ पे पानी बहुत भर जाता है, इसलिए ये ऊंचाई पे बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाउस बोट्स। हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेस और हाउस इन ए बोट। हाउस बोट जो होते हैं वो फ्लोटिंग मीन्स तैरना होता है, तैरते हुए घर होते हैं जो बोट पे बने होते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर में ये बोट में ही घर होता है, उसे हम हाउस बोट्स बोलते हैं। इट कैन बी सीन इन प्लेसेस लाइक कश्मीर एंड केरला। ऐसे घर कहाँ देखे जाते हैं, कश्मीर और केरला में देखे जाते हैं। ए हाउस बोट इन कश्मीर इज कॉल्ड सिकारा। ऐसे हाउस बोट को कश्मीर में सिकारा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इग्लू। आइस ब्लॉक्स आर यूज टू मेक इग्लूज। इग्लूज को बनाने के लिए आइस ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं, जो आइस क्यूब होते हैं ना उसको यूज किए जाते हैं। इट इज बिल्ट इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वेयर द लैंड इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। यह बहुत ही ठंडे जगहों में बनाई जाती है जहां पूरे साल जमीन बर्फ से ढकी हुई होती है। पीपल लिविंग इन सच प्लेसेस आर कॉल्ड एस्किमोज। जो लोग ऐसे जगहों में रहते हैं उसे एस्किमोज कहा जाता है। यहाँ देखिए ये इग्लू की पिक्चर बनी हुई है, हाँ, जो स्नो से बनी हुई होती है। ओके, एज मैन एडवांस्ड ही स्टार्टेड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाउसेज विद द यूज ऑफ ब्रिक्स सीमेंट एंड आयरन रॉड्स। जैसे जैसे इंसान आधुनिक होता गया वैसे वैसे वो बिल्डिंग बनाना शुरू किया। किस चीज से बनाना शुरू किया, तो ब्रिक्स सीमेंट एंड आयरन रॉड से। ब्रिक्स मीन्स ईंट, सीमेंट और लोहे के छड़ से वो स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाना शुरू करने लगा। ओके, सच हाउसेस आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेस। और ऐसे हाउसेस को क्या बोलते हैं, स्थायी घर बोलते हैं। ओके, स्थायी घर कहा जाता है। परमानेंट हाउसेस मे बी इन द फॉर्म ऑफ अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मीन क्या होता है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मीन्स होते हैं बहुमंजिला। बहुमंजिला बिल्डिंग्स में जैसे कि 10th फ्लोर के होते हैं या फिर 7th फ्लोर के बिल्डिंग्स होते हैं, उन्हें हम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बोलते हैं। ओके, सिंगल स्टोरेड हाउसेज। सिंगल स्टोरेड हाउसेज मीन्स हो गया जैसे एक माले का, यानी कि एक मंजिला घर। ओके,
एंड यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ये अपार्टमेंट है जो बहुमंजिला है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, और ये सिंगल स्टोरेड हाउस यानी सिंगल एक मंजिला घर। ओके एंड बंगलोज, बंगलोज यानी बंगला, यहाँ पर जो बंगलो की पिक्चर बनी हुई है। ओके तो ऐसे हाउसेस को हम लोग परमानेंट हाउस बोलते हैं, परमानेंट हाउस यानी स्थाई स्थाई घर बोलते हैं उसे। ओके जो स्ट्रॉन्ग आवर चैप्टर हैज कंप्लीटेड, वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके गुड बाय स्टूडेंट्स।